क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से डायमेटर्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतान सिंह तो चलिए बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम आगे बढ़ते हैं तो अभी तक क्या देखा हमने देखा रूट का मॉर्फोलॉजी स्टेम का मॉर्फोलॉजी लीफ का मॉर्फोलॉजी इन्फ्लोरेसेंस को देखा हमने और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ा हमने फ्लावर मॉर्फोलॉजी ठीक है ना बेटा है ना अब हमारा मॉर्फोलॉजी में आखिर का कुछ हिस्से बचे हैं जैसे कि फ्रूट की मॉर्फोलॉजी तो बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है जहां तक मैं बताऊंगा बस वहीं रखना है बेटा ठीक है है ना पूरा पढ़ना है हमको और कुछ थोड़े से पॉइंट है जो फ्रूट मॉर्फोलॉजी हमको ध्यान रखना है क्योंकि फ्रूट का मॉर्फोलॉजी बहुत बड़ा हिस्सा है यदि हम अकेला फ्रूट मॉर्फोलॉजी पढ़ाएं तो कम से कम तीन लेक्चर लगेंगे उसके लिए और वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए ऐसी रेफरेंस बुक जिनमें बहुत डिटेल में फ्रूट मॉर्फोलॉजी दे रखा है उनको अवॉइड करना है और ऐसे

कि ज्ञान बढ़ गया हमारा बाहर बगीचे में बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो खोजते रहते हैं उसमें अब ये मत बोलना कि सर आप आज पीले पीले दिख रहे हो तो आपको डिस्ट तो नहीं हो गया कहीं भैया ऐसा है कि कैमरे की लाइट की सेटिंग थोड़ी भी गड़बड़ होती ना कल हमारे इस जहां पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ बेसिकली ये मेरा लिविंग रूम है आपको पता है बॉम्बे में अभी जो है वो अभी भी बॉम्बे में सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ है और लग रहा था कि कोरोना के कारण सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा लेकिन तब भी मतलब सिचुएशन जो है अभी भी असामान्य सा बना हुआ है तो अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं अधिकांश लोग तो हमारे यहाँ पे कल रात को जो है वो भारतीय बड़ी इंटेंसिव सफाई कराई अब वो लाइट बड़ी मुश्किल से सेट होती है पूरी और उसको फिर से डिस्टर्ब कर दिया तो अब फिर वो एक पंद्रह बीस मिनट दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें तो मेरे पास वक्त था नहीं इसलिए मैं पीला पीला दिखना पसंद किया मैंने तो उसको देख कर डायग्नोसिस मत कीजिएगा है ना ठीक है कभी कभी डायग्नोसिस का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना ठीक है चलिए तो मॉर्फोलॉजी तो सबसे पहले, सबसे पहले करूंगा उन के आप उत्तर करेंगे और फिर हम बेटा हम बढ़ेंगे हमने देखा मॉडिफाइड शूट है, होते, है, होते, है, होते हैं फ्लावर जो होते हैं वो रिपोर्टिव ऑर्गन होते हैं ठीक है चलिए तो मेरा मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे बेटा तो आप उन प्रश्नों के आप जो है वो उत्तर करेंगे फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे बेटा ये है कि नंबर वन आपसे ये है कि आपको बताना है बेटा कि मार्जिनल प्लासेंटेशन मार्जिनल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है एनसीआरटी के अकॉर्डिंग आपको बताना है ठीक है मार्जिनल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है एस पर एनसीआरटी आपको आंसर करना है दूसरा आपको बताना है एग्जाइल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है ये आपको बताना है, आपको बताना है बेटा ठीक एग्जाम्पल एज पर एनसीआर क्लियर याद रखना है भूलना नहीं है बेटा ठीक है ना मार्जिनलेशन किस में होता है किस किसमें होता है ठीक है किस तरह के प्लासेंटेशन में हमको रेपलम देखने मिलता है फॉल्स सेप्टम रेप्लम मतलब फॉल्स सेप्टम किस तरह के प्लासेंटेशन में हमको रेपलम या फॉल्स सेप्टम देखने मिलता है क्लियर क्वेश्चन नंबर फोर बेसल प्लासेंटेशन में कितने ओव्यूल देखने मिलते हैं बेसल प्लासेंटेशन में कितने ओव्यूल देखने मिलते हैं हमको ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल हमको देखने मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ये है कि आपको बतलाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिन कार्पस ओवरी सिन कार्पस ओवरी का मतलब क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिन कार्पस ओवरी सिन कार्पस ओवरी का मतलब क्या होता है ये आपको बतलाना है क्लियर ठीक है चलिए ये तो पांच क्वेश्चन हुए इनके तो, पहला क्वेश्चन ये है कि मार्जिनल प्लासेंटेशन का जो है एग्जांपल बताना है एसपरस एक्साइल प्रासन का एग्जांपल बताना है या सेप्टम किस में देखने मिलता है किस तरह के प्लासेंटेशन में देखने मिलता है ये बताना है आपको आपको बताना है बेसल प्लासेंटेशन में ओवरी में कितने ओव्यूल होते हैं आपको बताना है सिन कार्पस ओवरी का मतलब क्या होता है क्लियर फिर आपको पहचानना है क्वेश्चन नंबर सिक्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर को पहचानिए एंड वॉट इज दोजिशन ऑफ ओवरी और ओवरी की पोजिशन क्या है यह बताइए क्या ठीक है फ्लावर के टाइप आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर फ्लावर के टाइप को पहचानिए और ओवरी की पोजीशन को बतलाइए क्लियर ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई 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 गिवन स्ट्रक्चर ठीक है टाइल इट्स फंक्शन इसके फंक्शन बताइए ठीक है दी गई संरचना एनसीआर के डायग्राम ही आइडेंटिफाई दी गिवन स्ट्रक्चर दी गई संरचना को पहचानिए और इसके कार्यों को बतलाइए फंक्शन को बतलाइए ठीक है आपको क्वेश्चन नंबर एट आपको बताना है जो है एसटीवेशन टाइप ऑफ एसटीवेशन टाइप ऑफ एस्टीवेशन को पहचानिए बताइए ए क्या है बी क्या है सी क्या है और डी क्या है देखो बेटा ये सारे प्रश्नों के उत्तर करना है मॉर्फोलॉजी में हमको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है ना तो जो मैं प्रश्न पूछता हूं उनके उत्तर करते जाइए साथ में ठीक है ना बेटा नहीं आता तो खाली छोड़िए पर प्लीज, आंसर, प्लीज 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 आंसर प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आंसर जरूर कीजिए इसका ठीक है ना आप ऐप में वेबसाइट में भी कमेंट कर सकते हैं और जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो वहां भी कमेंट कर सकते हैं तो टाइप ऑफ एस्टिमेशन ए बी सी डी पहचानिए ठीक है आपको बताना है प्लासेंटेशन दे रखा है ए बी सी डी ई ठीक है तो इनको लेवल कीजिए इनको लेवल कीजिए बताइए ठीक है आइडेंटिफाई ठीक है लेवल कब करने का मतलब है इनको आइडेंटिफाई कीजिए पहचानिए कि ए प्लासेंटेशन कौन सा है बी प्लासेंटेशन कौन सा है सी प्लासेंटेशन कौन सा है डी प्लासेंटेशन कौन सा है और ई e प्लासेंटेशन कौन सा है ये आपको बतलाना है क्लियर ठीक है तो देखो बेटा है ना आपको बताना है कौन सा मार्जिनल है कौन सा प्रसेंटेशन है कौन सा एक्साइल है किसके बारे में हमारे जो आज के क्वेश्चंस थे उनको देखा हमने अब हम बिल्कुल मॉर्फोलॉजी के लास्ट के हिस्से में पहुंच चुके हैं यहां पर हम बात करेंगे फ्रूट की मॉर्फोलॉजी देखो बेटा मैं शुरू से कहता आ रहा हूं आपसे कि फर्टिलाइज ओवरी इज फ्रूट जो फल होते, है, वे वो होते हैं फर्टिलाइजरी है। केवल और केवल के देखने मिलती है। याद रखिएगा ओवरी, ओवरी नहीं होती है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में ओवरी नहीं होती है एल्गी में ओवरी नहीं होती है केवल और केवल एनजोस्पर्म के अंदर ओवरी देखी जाती है मतलब फल केवल एनजोस्पर्म में लगते नंबर एक और नंबर दो एक ओवरी के अंदर कई सारे ओविल होते हैं ओविल होता है फर्टिलाइज्ड ओविल होता है सीड सीड एंड जो होते है, होते हैं 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 वे वास्तव में फर्टिलाइज्ड निश्चित अंड को को हम क्या बोलते बेटा उसे हम सीड कहते हैं याद रखिएगा कोई पूछता है पहले ओवरी बनी कि पहले ओविल बना यानी ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सुनिए बात को ध्यान से अभी पीछे का मैं हट जाऊंगा पढ़ लेना उसको अभी मेरी तरफ ध्यान दीजिए ठीक है कोई पूछता आपसे कि पहले सीड बना कि पहले फल बना इवोल्यूशन में तो याद रखिएगा सबसे पहले सीड बने जिम्नोस्पर्म ऐसे पर लगते हैं लेकिन वो ओवरी के अंदर नहीं होते हैं। याद रखिएगा इस चीज को प्लांट किंगडम का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन चलिए देखते हैं फ्रूटी में फ्रूट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ब्रैकेट में कर लिया हमने एनजियो के केवल एनजियो स्पर्म में ये मिलते जो कि मैच्योर और राइप ओवरी परिपक् और राइप ओवरी होती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती है वेरी वेरी आई एम पी कॉमन क्वेश्चन जो फल आप खाते हो बेसिकली वो राइट और मैच्योर ओवरी होती है ठीक है इफ ए फ्रूट इज फॉर्म थाउट फर्टिलाइजेशन यदि कोई फल का विकास बगैर निशन के होता है तो ओवरी के बगैर के होता है तो उसे हम कहते हैं और अब यहाँ पे एक point करते हैं कि के इंडक्शन ऑफ पार्थनोकार्पी फॉर द इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी पार्थनोकार्पी के, के इंडक्शन के लिए हम क्या करते हैं हम यूज करते हैं जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं हम

एफनो पार्थेनोकार्पी शब्द को एफनो ने दिया के तो पार्थेनोकार्पी को पार्थेनोजेनेसिस से कब से कंफ्यूज मत करना पहले ही बता दूं के बाद में ना बोलना फिर कि बताया नहीं सर आपने के मैंने कहा ना पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है बगैर फर्टिलाइजेशन के एक से एम्ब्रियो का विकास होना ठीक है वो पार्थेनोजेनेसिस होता है पार्थनोकार्पिक का मतलब बगैर फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फल का बनना और याद रखिएगा जो पार्थनोकार्पिक फ्रूट होते हैं उनमें वो होते हैं सीडलेस उनमें जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एम्ब्रियो नहीं बन पाता उनमें सीड सेट नहीं हो पाते तो याद जब आप पार्थनोकार्पिक फ्रूट देखते हैं वो सीडलेस होते हैं उनमें बीज नहीं होते हैं। इसलिए पार्थनो वो पार्थनोकार्पी काम का नहीं होता है क्योंकि अनार में खाते सीड़ी है ना बचेगा क्या उसमें कुछ नहीं बचेगा हो जाएगा तो डब्बे डब्बा मिलेगा फिर ठीक है ना समझ गए बात को तो कहने का मतलब ये है बेटा अब यहां पे टर्म याद रखना आपको ऐसे फल जो बगैर फर्टिलाइजेशन के बनते हैं वो बगैर फर्टिलाइज ओवरी के बगैर फर्टिलाइजेशन बनते हैं फ्रूट कहते हैं हम ठीक है जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल और पेरिकार्प और सीट देखो बेटा क्या होती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी की वॉल होती है वो बन जाती है फ्रूट वॉल और फ्रूट वॉल के लिए वर्ड यूज करते हैं हम पेरिकार्प कार्प क्लियर यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट वॉल बन जाती है अरे भाई ओवरी का यदि हम सिंपल स्ट्रक्चर दिमाग में रख, याद रखें हम बेटा तो हमने क्या देखा था हमने देखा था ये ओवरी है ठीक है स्टिगवा इस्ट, स्टाइल उसके ऊपर होगा ये स्टिग्मा होगा है ना ओवरी ओवरी के अंदर हमने क्या देखा था हमने देखा था ओवरी के अंदर जो है प्लेसेंटा है प्लेसेंटा में ये ओविल लगे हुए हैं ठीक है ना ठीक है हैना हमने ये स्ट्रक्चर देखा प्लासेंटेशन प्लासेंटेश दौरान होता है एक्साइल परसेंटेज होता है देखा हमने ठीक है तो अभी हमने क्या देखा हमने कहा कि जो ओवरी की वॉल है जब हम ओवरी की वॉल बोल रहे हैं बोले तो ये ओवरी की वॉल है और यही बाद में क्या बन जाएगी ये बन जाएगी फ्रूट वॉल बन जाएगी और जो ओव्यूल है जो ओव्यूल ये क्या है ये है ओव्यूल ये है ओव्यूल ये बाद में क्या बन जाएंगे सीड बन जाएंगे ये ठीक है तो पेरिकार्प क्या होता है पेरिकार्प जो है वो फ्रूट वॉल होता है फ्रूट वॉल को हम पेरिकार बोलते हैं जो एक्चुअली जो है फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी की वॉल बन जाती है फ्रूट वॉल पेरिकार ड्राई या फ्लैशी हो सकती है अब देखो बादाम में देखो बादाम बादाम में में आप क्या होता है अंदर सीड होता है बादाम को तो आपने देखा कच्चा बादाम में जो आप बादाम मार्केट से लेके आते ना वो तो सीड से निकाला हुआ निकाला हुआ सीड होता है लेकिन जो आपने देखा होगा कठोर अखरोट अक, देखो आप बादाम देखो इसमें किस एकदम ड्राई होता है ना स्किल ड्राई होता है एकदम कोई अखरोट का छिलका ना कोई खाता है ना बादाम का छिलका कोई खाता है लेकिन कई फल ऐसे जिनमें की पैरिकार्प जो है वो फ्लैशी होती है पैरिकार्प को भी लोग खाते हैं भाई मैंगो खाते तो मैंगो में क्या खाते हैं ऊपर का छिलका छोड़ के आप बीच वाला हिस्सा खा लेते ना खाते हो नहीं खाते आप मीजोकार्प उसका खा जाते हैं आप मैंगो में जो सीड होता है ना वो गुठली के अंदर होता है तो गुठली भी एक एक पेरी का ही हिस्सा होती है आम जो खाते हैं ना जो आम अपनी अभी मौसम गया आम का तो अब तो जो आम की गुठली हम खाते हैं ना तो आम जो खाते हैं तो आम में हम क्या करते हैं छिलका नहीं खाते उसका बीच का गूदा खाते हैं उसका तो छिलका हो गया उसका इपी बीच का गूदा हो गया मीजो और अंदर वाली गुठली होती है ना गुठली होती है वो एंडोकार्प जब आप गुठली को खोलोगे ना अंदर मिलेगा सीड आपको उसके अंदर सीड मिलेगा ट्रिपल लेयर होता है तीन लेयर है उसके अंदर है जो हरा नारियल आप लेके आते हो बाजार से नारियल नारियल में क्या होता है जो ऊपर ग्रीन कवर होता है इसमें नारियल पानी वो क्या होता है वो एवो होता है एपी उसके नीचे यदि हटाओगे तो आपको हिस्सा दिखाई पड़ेगा वो होता है सबसे अंदर आपको कठोर नारियल दिखाई पड़ेगा जो हिस्सा जिसको हम बारह से लेके आते हैं नारियल जो भगवान को चढ़ाने लेके आते हैं ना ब्राउन से नारियल वो कठोर आवरण जो होता है वो क्या होता है वो होता है एंडोकार्क उसके अंदर होती है सीड समझ में बात कहने का मतलब ये है कि पेरी कार्क जब थिक होता है फ्लैशी होता है तो ये तीन परतों में बटा होता है फ्लैशी होता है बीच वाली मीजोकार्फ होती है अंदर वाली एंडोकार्फ होती है झट से अमेंगो को दिमाग में डाल लो और इसके अलावा नारियल को दिमाग में डाल लो क्योंकि ये हमने देखा हुआ है और यही एनसीआरटी एग्जाम्पल में रखा है तो मैंगो में और फ्रूट में

सुपीरियर ओवरी से जब ओवरी सुपीरियर है मतलब क्या है? है, क्या होगा? होगा? होगा. एक सीड वाले होते हैं वन सीड देखो आप चाहे कोकोनट देखो मैंगो देखो अंदर एक ही सीड मिलेगा आपको उसमें मल्टीपल सीड नहीं होंगे तो ऐसे अब देखो बेटा ड्रुप फ्रूट के बारे में आपसे पूछेंगे तो ड्रुप फ्रूट क्या कैसे डेवलप होते हैं व्हाट आर कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बिकम ए फ्रूट ड्रूप फ्रूट ड्रूप फ्रूट किसे बोलेंगे आप ऐसा फल जो एक सिंगल कार्पलरी एक कार्पल वाली ओवरी यानी एक कार्पल केवल एक कार्पल होगा सुपीरियर ओवरी होगी हाइपोगाइनस फ्लावर होगा और उसके अंदर केवल एक सीड होगा उससे डेवलप होते हैं फल उन्हें है, हम ड्रूप फ्रूट कहते हैं ठीक है तो ये बेटा ये एनसीआर ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा बाकी पचास चीजें पढ़ लोगे वो एग्जाम में नहीं आएगा पर ये पढ़ेंगे तो एग्जाम में आने की संभावना है बेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है

ठीक है मैंगो में पेरिकार्प वेल डिफ्रेंशियड होती है बाहर वाली पतली होती है थिन होती है इपिकार्प मिडिल होती है फ्लैशी इडिवल म्यूजोकार्प ठीक है और अंदर वाला होता है कठोर हार्ड होता है वो होता है एंडोकार्प के कोकोनट में क्या होता है कोकोनट भी ड्रू फ्रूट होता है इसमें म्यूजोकार्प होती है फाइबरस के इंपॉर्टेंट है बेटा ये है।, है ना ये सबसे कॉमन क्वेश्चन में से एक है बेटा कई बार पूछा गया एग्जाम में ऑलरेडी अरे भाई एक आम में आम का छिलका हटा देंगे आप ईपी कार हटा दिया आम खाने लगे हम तो मिजो कार खा रहे हैं गुटली जो फेंक दी हमने वो एंडो कार और उसके अंदर सीड था बाजार से नारियल लेके आए हैं नारियल पानी वाला नारियल सबसे बाहर ग्रीन लेयर दिखाई पड़ा ईपी कार पे उसके अंदर हटाओगे तो आपको फाइबर्स लेयर दिखाई पड़ेगा मिजो पे और अंदर नारियल होगा वो होगा एंडो होगा उसके अंदर सीड होगा क्लियर ठीक है देखिए है ना तो ये क्या है बेटा ड्रूप फ्रूट है मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी वन सीडेड मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी और वन सीडेड के ड्रूप फ्रूट है देख रहे हैं आप इपीकार्प मिजोकार्प एंड एंडोकार्प और एंडोकार्प के अंदर क्या होगा एक सिंगल सीड होगा यहाँ पे क्लियर अब कुछ फलों के नाम आपको याद रखना के। तो ये पूरा लंबा टेबल नोट मत कीजिए मैं जहां बोल रहा हूं बस वो नोट कीजिए जहां जैसा बोल रहा हूं वैसा नोट कीजिए बेटा मैंने अपनी सुविधा के लिए लंबा टेबल आपको दिखा दिया है जो बच्चे जिनको जो है वो वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम दे रहे हैं उनके काम आ, आ सकता है लेकिन हमारे जो बच्चे हैं नीट वाले उनके लिए क्या काम का बेटा याद रखिए और मेज इसमें और राइस इन तीनों में होता है कैरियस फ्रूट होता है अब देखो बेटा फ्रूट के बारे में थोड़ा लिख लीजिए इसके बारे में कि व्हेन फ्रूट वॉल वॉल फ्यूज विद द सीड जब फल की भित्ति और बीज की भित्ति सीड वॉल और फ्रूट वॉल दोनों फ्यूज कर जाए और एक कॉमन वॉल बन जाती है उसे केरोप्सिस फ्रूट कहते हैं और ऐसे फलों को ले के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं इनके लिए हम ग्रेन्स वर्ड यूज करते हैं इनको हम ग्रेन्स कहते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिए

ध्यान रखना आपको कोकोनट आपका ड्रूप फ्रूट है कोकस किसी साइंटिफिक नेम है इसका बेटा याद रखेंगे आप बाकी टोमेटो बेरी फ्रूट है बेटा लीची एक नट में आता है और लीची का जो इडीवल पार्ट है लीची का जो इडीवल पार्ट होता है वो एरिल सीधा याद रखिए अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लीची में जो है जो इडीवल पार्ट होता है वो होता के, है एरल आई है

एरिल क्या होता है एरिलोड क्या होता है कॉरनकल क्या होता है स्ट्रेफियोल क्या होता है सब पढ़ेंगे हम प्लांट प्लांटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लॉवरिंग प्लांट्स में अभी हम यहां पर बात नहीं करेंगे अभी हमने एक पॉइंट दिमाग में डाल लिया कि भैया चार नंबर चाहिए हमको कि लीची का एडिवल पार्ट क्या है आंसर है फ्लैशी एरिल ठीके? बात खत्म ठीक है फिर ऑमंड बादाम जो है वो एक ड्रूप फ्रूट होता है बेटा ठीक है इट्स ए ड्रूप फ्रूट ड्राई इट्स ड्रूप फ्रूट ठीक है बादाम भी एक लेकिन इसमें पेरिकार्प क्या होती है इसकी पेरिकार्प होती है ड्राइड क्या इसकी पेरिकार्प जो है वो ड्राइड होती है इसमें ये ड्रू फ्रूट होता है ठीक है ना है ना चलिए फिर हम बात करते हैं बेटा स्ट्रॉबेरी इटेरियो ऑफ एक्कीस परंतु चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है जिसमें अभी इस पर बात हम नहीं करेंगे अभी यहां पे लोटस भी इटेरियो ऑफ एकिन होता है ठीक है जैक फ्रूट जो है वो सोरोसिस होता है अब जो याद रखना है वो है बेटा याद रखना है हमको फिग

मैं आपको फ्रूट बॉर्फल का एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट में कुछ पॉइंट आपको दे दूंगा जो प्रीवियस ईयर इश साल के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए बस उनको उन पॉइंट को बगैर ज्यादा दिमाग लगाए एक या दो बार पढ़ लेना बेटा क्योंकि क्या है देखो यदि हम एरिल पढ़ने जाएं हम जो है वो इटे ऑफ एक्न पढ़ने जाएं तो हमको उसका ओवरी का टाइप बहुत चीजें पढ़ के हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है होता तो हम जरूर पढ़ा जब लास्ट लास्ट जिपमर का एग्जाम हुआ करता था तो मैंने पढ़ाया है भाई जिपमर में आता था वो जिपमर में आता था और एम्स में, में भी कभी कभी पूछ लिया करते थे वो अभी जब से जो है नीट हुआ है तब से हमने फिर जो है वो आंखें बंद कर ली हमने कहा ठीक है भैया आएगा तो कभी एक तो इतना एफर्ट करने पर छोड़ देंगे आपसे नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट क्वेश्चन वही एग्जाम में पूछे आते हैं जो प्रीवियस में का ट्रेंड रहा है ठीक इसलिए दिमाग में रखिए उसको जो जो शीट्स मिलती है उनको भी एक बार पढ़ लेना चाहिए ठीक है चलिए चलिए अब आते हैं शीट पर हम ओव्यूल जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप होते हैं ठीक है याद रखिएगा सीड का विकास सबसे पहले हुआ था जिम्नोस्पर में जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो ओवरी के अंदर नहीं होते इसलिए उनको हम नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं और बायोलॉजी में जो स्पर्म वर्ड है जिम्नो मतलब नेकेड स्पर्म मतलब सीड नेकेड सीडेड प्लांट ठीक है ना क्लियर चलिए ए सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एन एम्ब्रियो एक बीज में क्या होता है सीड कोट होता है और एक एम्बलो होता है याद रखिएगा बेटा जो सीड कोट आउटर सीड कोट जो आउटर सीड कोट है बाहर वाला सीड कोट जो होता है उसको बोलते हैं हम टेस्टा ठीक है इनर सीड कोट को बोलते हैं हम टैगमैन ठीक है याद रखिएगा आउटर सीड सीड कोट जो है क्योंकि चूंकि जो कि ओविल जो होता है

स्कूटेलम बोलेंगे ये हमको शील्ड के समान दिखाई पड़ेगा कवच के समान दिखाई पड़ेगा एक कॉटनलीटर होगा दो कॉटनिटर होगा ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे बोलेंगे और दो एक या दो होंगे इसके अलावा एक्सिस के टॉप पर क्या होगा प्लीम्यूल होगा जिसको एनसीआर भूल गई है और प्लीम्यूल होता है स्टेम प्लूमिल क्या होता है स्टेम क्लियर ठीक है प्लूमिल होता है स्टेम का स्टेम इनिशिएटिंग पॉइंट है ना स्टेम स्टेम का इनिशिएटिंग पॉइंट रेडिकल से रूट डेवलप होती है प्लूमिल से शूट डेवलप होता है ठीक है चलिए पहले डाइकॉट सीड को देखते हैं हम डाइकॉट डाई मतलब दो कॉट Cot, मतलब कॉटिलिडन कॉटिलिडन क्या होती है एम्ब्रियोनल लीफ होती है एम्ब्रियो की एम्ब्रियोनल लीफ होती है क्या काम करती है फूड को इकट्ठा करती है ये ठीक है याद रखना के डाई मतलब दो कॉटिलिडस मतलब होता है कॉटिलिडन मतलब कॉटिलिडन की लीफ जो कि फूड को इकट्ठा करती है ठीक है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट सीड कोट हैज टू लेयर लेयर आउटर को टेस्टा बोलते हैं इनर को टेगमेन कहते हैं ठीक है हाइलम वो धब्बा होता है स्कार होता है सीड में देखा होगा गेहूं में गेहूं का बीज गोर से देखोगे आप ऐसा दिखाई पड़ेगा गेहूं का बीज आपको एक निशान दिखाई पड़ेगा जहां से जुड़ा होता है मटर में देखो एक हिस्सा दिखाई पड़ता वो, वो फ्रूट से अटैच होता, मतलब जो, जो होता, जो, जो होता है जो connect, जो ओविल को कनेक्ट जो कि ओविल को कनेक्ट करता है किसके प्लासेंटाट के तो वो जो पॉइंट होता है वो बेसिकली सीड का एक स्तंभ बन जाता है एक सीड का जो है वो आ, आधार बन जाता है तो उस ज, जो निशान जहां पर वो जुड़ा होता है सीड से उसे क्या बोलते हैं है हम हाइलम 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 कहते हैं तो इज स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू डेवलपिंग आर टू फ्रूट ए स्मॉल पोर एक छोटा पोर होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं याद रखिए अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर होता है ठीक है माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल ओवल का माइक्रोपाइल होता है पॉलेंड ट्यूब की एंट्री के लिए पॉलेंट ट्यूब एंट्री मतलब जो पराग पराग नलिका होती है पॉलेंट ट्यूब होती है वो ओविल के अंदर एक छोटे से छेद से अंदर एंटर करती है उस छेद को हम माइक्रोपाइल कहते हैं बेटा तो माइक्रोपाइल ऑफ ओविल जो होता है वो पॉलेंट ट्यूब की एंट्री के लिए होता है जब ओविल सीड में कन्वर्ट हो गया छेद वैसा का वैसा रह गया ओविल जब सीड में कन्वर्ट हुआ छेद वैसा का वैसा रह गया तो अब क्या बन गया अब यह बन गया सुनिएगा ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है ये माइक्रोपाइल ऑफ सीड बन गया Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. मजे की बात है ना बेटा छेद तो वैसा है तो फर्टिलाइजेशन कराया उस नेट के तो माइक्रोपाइल ऑफ ओविल पॉलिंड ट्यूब की एंट्री के लिए होता है और माइक्रोपाइल ऑफ सीड वाटर की एंट्री के लिए होता है ठीक है देखिए यह एनसीआर टी के इमेजेस बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है याद रखना ध्यान रखना हमको एग्जाम में आएगा तो बेटा यही आएगा ठीक क्लियर सीट कोड देख रहे हैं हैं ये देख रहे हैं। आप हाईलाइंट ऑफर चेन्नई में देख सकते हो आप इसमें और ये छोटा सा पोल दिखाई माइक्रोपाइल बोलेंगे फिर रेडिकल रूट इनिशिएटिंग पॉइंट है शूट इनिशिएटिंग पॉइंट है ये दिखाई पड़ रहे हैं और ये क्या है बेटा ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस एम्ब्रियोनल एक्सिस इसे बोलते हैं हम टिजेलम ठीक है है ना याद रखना बेटा है ना इंपॉर्टेंट है फिगर फाइव पॉइंट वन एट याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं फिर विथ इन दि सीड कोट इज सीड कोट से अंदर एम्ब्रो होता है एम्ब्रो में एम्ब्रोनल एक्सिस होता है इसे हम टिजलम कहते हैं दो कॉटिलेडन पाए जाते हैं इसके अंदर कॉटिलेडन ऑफन फ्लैशी होते हैं इनमें फूड इकट्ठा होता है अब कॉटिलेडन का फूड कौन यूज करता है फूड ऑफ कॉटिलेडन ध्यान से बात सुनना कि फूड ऑफ कॉटिलेडन यूज्ड बाय यूज्ड बाय डेवलपिंग यूज्ड बाय

फंडा एकदम क्लियर क्योंकि देखो ये बिल्कुल सिंपल मॉर्फोलॉजी है सीड मॉर्फोलॉजी को भी बहुत तरीके से पढ़ सकते हैं हम लेकिन उसका जरूरत नहीं है अभी ठीक है क्लियर इन सम सीड जैसे कि कैस्टर का सीड है ठीक है इसमें एंडोस्पर्म फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन इज फूड स्टोर टिश्यू के अब कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें कि एंडोस्पर्म जो होता है एंडो मतलब अंदर और बॉटनी में स्पर्म का मतलब क्या है सीड गलती मत करना स्पर्म वर्ड में हो गया मेलगेमिट बॉटनी में स्पर्म वर्ड का मतलब क्या हो गया सीड देखो ऐसा है मैं आपको पढ़ा तो रहा हूं बायोलॉजी लेकिन जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूं एक्चुअली जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या पढ़ा रहा, रहा हूं मैं आपको जुलॉजी पढ़ा रहा हूं समझ गए बात कुटके तो ये जो बॉटनी जूलॉजी का का जो डिफरेंस है वो दिमाग में रखना चाहिए थोड़ा सा समुट कि स्पर्म वर्ड बॉटनी में हम सीड के लिए यूज करते हैं और जूलॉजी में हम जो है वो मेलगेमिट के लिए यूज करते हैं ठीक है ना क्लियर अब हमने क्या कहा हमने कहा कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे डाइकॉट में कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉटनिडन में फूड इकट्ठा उतना होता नहीं है उनमें फूड इकट्ठा होता है एंडोस्पर्म के फॉर्म में और अब आप बोलोगे सर ये पर्पज ऑफ एंडोस्पर्म क्या है एंडोस्पर्म क्यों बना था एंडोस्पर्म इसलिए बनता है ताकि ओविल के अंदर जो फीमेल गेमिटोफाइट इसको एम्ब्रियोसेक बोलते हैं एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में हम फीमेल गेमिटोफाइट को ऐसा स्ट्रक्चर जो फीमेल गेमिट बनाता है उसको हम एम्ब्रियोसेक बोलते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है और वो फूड एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है अब एंडोस्पर्म जो होता है ना कई बार ज़्यादा बन जाता है ज़्यादा बना होता है तो बच जाता है वो तो कॉटिलेडन को बनने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एंडोस्पम सफिशियंट क्वांटिटी में होता है तो हमने क्या कहा हमने कहा कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे कि हमने कहा आपसे कैस्टर सीड्स में एंडोस्पम जो है वो

जैसे प्लांट वीन की बात करें फलियों की बात करें चने की बात करें मटर की बात करें एंडोस्पर्म जो है वो सीमेच्योर सीड में नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं और इनमें फूड इकट्ठा होता है कॉटन में मतलब जो डाइकॉट के सीड है उनकी भी दो कैटेगरी हो सकती है एक हो सकती है एलबूमिनस सीड दूसरी हो सकती है एक्स एल्बुमिन लिख लेना रहा एन सी आर टी में नहीं है ठीक है एल्बुमिन का मतलब होता है बेटा एंडोस्पर्म ठीक है तो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर एंडोस्पर्म होगा इन सीट के अंदर स्टोर फूड स्टोर मटेरियल एंडोस्पर्म होगा और एक्स एल्यूमिनस में स्टोरेज फूड का स्टोरेज किसमें होगा वो

उनमें कॉटलेडन एक सिंगल होता है शील्ड शेप होता है तो इनमें मेनली इनमें मेनली फूड इकट्ठा किसमें होता है इनमें मेनली फूड इकट्ठा होता है किसमें एंडोस्पर्मेट के, केवल ऑर्किड ऐसे है, केवल ऑर्किड ऐसे मोनोकॉर्ट में

इन दीड ऑफ सीरियल अनाज से बात करें सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है झिल्ली जैसा होता है और ये जनरली फ्यूज फ्रूट वॉल ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं ऐसे फ्रूट को बोलते हैं आप कैरियोप्सिस फ्रूट कहते हैं ठीक है ठीके? देखो एक्सप्लेन किया है इसको लेकिन नाम नहीं लिखा इसका उन्होंने इसे हम कैरियोसिस फ्रूट कहते हैं याद रखिएगा डेफिनेशन दे रखी है समझ गए ना अनाज के बीजों में जैसे कि मक्का में सीड कोट मेम्ब्रेन सा, सा होता है और ये फ्रूट वॉल से फ्यूज होता है ठके? और इसमें एंडोस्पर्म बल्कि होता है फूड को इकट्ठा करता है और एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो जो आउट एंडोस्पर्म की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो प्रोटीनस लेयर होती है और उसे हम एलिडोन कहते हैं जो और ये एम्ब्रियो को चारों ओर से ये एम्ब्रियो को घेरती है ठीक एन एंडोस्पम जो है जो होता है उसके वो वास्तव में हम क्या कहते हैं हम कहते हैं द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एंडोस्पम से लेयर लेर कार एलोरोन लेयर के ऐसा कहते हैं कि एक्चुअल एमरॉनिक पार्ट जो होता है और एंडोस्पमिक पार्ट दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं एक लेयर देखने मिलती है उसे हम एलोरोन लेयर कहते हैं एलोरोन लेयर जो है चारों तरफ एंडोस्पम के चारों तरफ जो है एलोरोन लेयर पाई जाती है डायग्राम देखेंगे हमें बात और क्लियर होगी अभी इतना याद रखो बेटा कि एलोरोन लेयर जो है प्रोटीनस लेयर होती है और इसके अंदर जो प्रोटीन ग्रेन पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एलियन ग्रेन कहते हैं याद रखिएगा ये जो प्रोटीन लेयर होती है इसके अंदर कई सारे एंजाइम भी होते हैं और जब पानी के संपर्क में आती है ना तो इसके एंजाइम एक्टिवेट आते हैं और ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं सीड को जर्मिनेशन में ये हेल्प भी करते हैं ठीक है देखिए ध्यान से ये एंडोस्पर्म है बेटा ठीक है ये आउटर मोस्ट लेयर है

एंडोस्पर्म के अंदर फूड इकट्ठा होगा एलियोन ग्रेन से बनी होती है प्रोटीन लेयर होती है और एक्चुअल एम्ब्रियो जो होता है उसमें रेडिकल और पुलिमिल दोनों पॉइंट देखने मिलेंगे आपको कॉटिलेडन शील्ड के शेप का होगा उसे स्कूटेलम बोलेंगे जो स्कूटेलम क्या होगा शील्ड के समान कवच के समान दिखाई पड़ेगा ढाल के समान दिखाई पड़ेगा ये ढाल के समान शेप का दिखाई पड़ेगा इसे स्कूटेलम बोलेंगे और यहां पर रेडिकल और पुलिम्यूल के ऊपर एक कवरिंग होगी रेडिकल की सुरक्षा करने के लिए कवरिंग होगी, पुलिम्यूल की सुरक्षा के लिए कवरिंग होगी। रेडिकल के ऊपर की कवरिंग ठीक है उसे क्या और जो कोलेप्टाइल है ठीक है ना बेटा कोलियोपटाइल पी फॉर प्लिम्यूल तो ये कई बार बच्चे याद नहीं कर पाते मैंने कह दिया

रेडिकल कवरिंग हम क्या बोलते है? हैं कोलियो राइजा कहते हैं ठीक है देखिए अब ये डायरेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये एग्जाम में आने की संभावना है मैं कह रहा हूं आपसे मतलब आएगा ठीक है इस इज इंपॉर्टेंट क्लियर बेटा ठीक है आगे बढ़े इसमें अब यहां तो खत्म हो गई मॉर्फोलॉजी अभी थोड़ा सा जो है जो, ऐसा समझ लीजिए आपकी जितना कुछ हमने पढ़ा है समझा है मॉर्फोलॉजी में जब इसका इस्तेमाल हम टैक्सोनॉमी में करते हैं तो कैसे करते हैं तो एक काम करते हैं कुछ टेक्निकल वर्ड है यहां पर कुछ फ्लावर के सिंबॉल है फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम तो इसके बेसिक्स उस पर हम बात करते हैं फिर हम जो है वो फैमिली को देखेंगे बाद में ठीक है चलिए देखिए जिकल फीचर आर डिस्क्राइबरिंग प्लांट अब एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए हम बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर यूज करते हैं हम उसके लेकिन हमने एक बात गोर किया रूट और स्टेम जो है वो बहुत रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं क्योंकि वो इनडिटर्मिनेटेड जबकि लीफ की मॉर्फोलॉजी हुआ और फ्लावर की मॉरफोलॉजी हुआ वो एक टेक्सोनोमिक ग्रुप की कैक्टरिस्टिक होती है वो डिटर्मिनेट फीचर होते हैं इस पर बात किया था हमने पहले भी ठीक है The description has to be brief in simple and scientific language and presented in a proper sequence. Okay, the plant is described beginning with its habit and it. देखो आप कोई plant ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा के किसी plant को यदि यदि किसी plant को आपको explain करना है उसके बारे में सबसे पहले तो ये बतलाओ कि कहाँ मिला रहता कहाँ है किस तरह के जंगल में पाया जाता है किस तरह की में पाया जाता है तो यू हैव टू फर्स्ट डिस्क्राइब की उसका हैबिट क्या है वो किस तरह के आवास में रहता है, है दूसरा आपको बताना है आपको बताना है कि उसकी रूट किस तरह की है स्टेम किस तरह का लीफ किस तरह का ये हो गया आपका वेजिटेटिव करेक्टर हो गया मतलब हम यहां पे छोटा छोटा नोट कर हैं हैबिट मॉर्फोलॉजी ऑफ जिटेटिव कैरेक्टर देन फ्लोरल कैरेक्टर्स ठीक है ये सही सीक्वेंस है कोई प्लांट को एक्सप्लेन करना है पहले बताओ भैया उसके हैबिट कहां मिला किस तरह की रूट है किस तरह का शूट है उसका किस तरह का तना है उसका किस तरह की लीफ है उसकी उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका इन्फ्लुएंस कैसा है उसके फ्लावर का टाइप क्या है फ्लावर के पार्ट किस तरह के वैसे और फिर आखिर में लिखिए उसका फ्लोरल डायग्राम बनाइए उसका और फ्लोरल फॉर्मूला लिखिए उसका ठीक है ये डिस्क्राइब करने थे अब ये देखो ये अभी तक एनसीईआरटी ने इस पर इस, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर जो है ऑल इंडिया पीएमटी में नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पर मुझे लगता है कि ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है किसी की एक प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए सही क्रम क्या है उसका तो जो सही क्रम है वो बताया है इसमें ठीक है देखो अब कई सारे फ्लोर फॉर्मूला के करैक्टर में आपको ऑलरेडी क्लास के दौरान प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताता चला आ रहा हूं मैंने कहा था बेटा याद रखना कहीं बी आर लिखेंगे तो ब्रैक्टिएट और ई बी आर लिखेंगे तो ई ब्रैक्टिएट याद आया आपको ठीक है फिर मैंने कहा था के फॉर कैलिक्स के फाइव लिखा कैलिक्स में पांच सेपल है पॉली कैलिक्स पॉलीसेपलस कंडीशन है पांचों इंडिपेंडेंट है हमने लिखा फाइव ब्रैकेट में मतलब कैलिक्स में पांच सेपल है एंड इट इज ए गैमो कंडीशन पांचों फ्यूज है आपस में पांचों फ्यूज हमने लिखा के फोर कैलिक्स सी फोर लिखा मतलब कोरोला के अंदर पांच पेटल है पांचों इंडिपेंडेंट है मतलब पॉली पैटलस कंडीशन है हमने लिखा C5 ब्रैकेट में गैमो टैप गैमो पेटल कंडीशन है मतलब जो कोरोला है कोरोला के अंदर कोरोला के अंदर जो पेटल्स हैं पांच हैं और पांचों फ्यूज हैं ठीक है फिर टू प्लस टू प्लस वन समझिए पहले देखो पढ़ेंगे आगे हम अभी मैं आपको बेसिक फंडा बता रहा हूं दिमाग में अब सर इसका मतलब क्या है कि कोरोला के अंदर पांच पेटल है पांचों पेटल एक सर्किल में नहीं है इसलिए हमने पांच इकट्ठा नहीं लिखा हमने टू प्लस टू प्लस वन हमने कहा ये पांचों पेटल अलग अलग एक्सिस पर प्रेजेंट है दो फ्यूज हैं दो इंडिपेंडेंट है और एक और इंडिपेंडेंट है लेकिन अलग अलग तरीके से कौन सा एस्टिवेशन है ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है ये याद करो ऐसा 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 ये दो फ्यूज हो गए ये दो इंडिपेंडेंट हो गए और ये एक हो गया है ना मजेदार तो ये क्या बतला रहा है वैक्सिलरी एस्टिवेशन को बतला रहा है पी फॉर पेरियां ठीक है कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है के फाइव सी फाइव ए फाइव और ऐसे लगा हुआ है अरे इसका मतलब यह है कि जो एंड्रोशियम है ए फॉर एंड्रोशियम जी फॉर गाइनोशियम वो किसके ऊपर है वो को पेटल के ऊपर है, एपी पेटलस को शो कर रहा है वो। देखो पी फॉर पेरियान मोनोकॉट होता है जो गैलिकोलाते है फॉर एंड्रोशियम जी फॉर गाइनोशियम ए फाइव एंड्रोशियम के अंदर पांच स्टेम है ए फाइव ब्रैकेट में एंड्रोशियम के अंदर पांच है पांचों फ्यूज है ठीक है एन प्लस वन एंड्रोशियम में ए नाइन प्लस वन एंड्रोशियम में दस है नो फ्यूज है एक अलग है डाई दा, एडल्फस कंडीशन को शो कर रहा है वो ठीक है क्लियर तो छोटी छोटी बातें दिमाग में रखना हमको फिर जी फॉर गाइनोशियम Gynosium के नीचे एरो लगा ऐसा लगाए मतलब गाइनोशियम ऊपर है ये जो लाइन लाइन है G है के ऊपर लिखा मतलब गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है तो फ्लॉवर हाइपो गए हमने क्या लिखा जी के ऊपर जी जो है उसके ऊपर गाइनोशियम इसके ऊपर हमने ऐसा बेस्ट लाइन को बनाया ऊपर बेस्ट लाइन है मतलब ओवरी इनफीरियर है फ्लावर है फ्लावर हो गया इपी ठीक है ना Perigynos के लिए क्या करेंगे हम ऐसा बनाएंगे ठीक है क्लियर फिर मेल का सिंबल फीमेल का सिंबल ठीक है बाइसेक्शुअल सिंबल बाइसेक्शुअल प्लांट का सिंबल

ब्रेक्टोडर्म मैंने कहा था ना ब्रेक्टिएट br जो ब्रेक्टियोलेटर ब्रेक्टियोल bractiol क्या होते हैं स्केल के समान स्केल के समान जो ब्रेक्ट है ब्रेक्ट जो है वो लीफी ना होके शल्क के समान स्केल के समान ड्राइड होता तो, है तो ब्रेक्टियोल कहते हैं उसको हम ठीक है इनफीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी ठीक है एक्टिनोमॉर्फिक ईवीआर ई ब्रेक्टिएट ये भी बताया ईवीआरएल ई ब्रेक्टिएटेड ठीक है हर्मेफ्रोडाइट e बाइसेक्सुअल

एसटीडी लिखा है कहीं पे स्टेमिनोड मतलब मतलब ऐसे एस, स्टेमेन जो फर्टाइल नहीं होते हैं तो स्टेमिनोड स्टेमिनोड का जिक्र किया गया एनसीआरटी के अंदर याद रखिएगा स्टेमिनोड का जिक्र एंड्रोसेम के अंदर किया गया स्टेमिनोड तो स्टेमिनोड डी लिखा मतलब स्टेमिनोड हो गया ठीक है सैंपल छह हैं फ्री हैं सिक्स लिखा हमने अब ये बोटा देखो ये क्या है समझने के लिए, लिए लिखना है अभी क्या हम जानते हैं मुझे मालूम है आपको आप समझते हैं अच्छे से आप सुन चुके हैं लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको इतनी बार बताऊं चीजों को कि आपके दिमाग में बैठ जाए कभी गलती ना करें मतलब छे सैपल छ्री के फ्री है के सिक्स ब्रेकेट के अंदर कैलिक्स के अंदर छे सैपल सेलिक्स की यूनिट होती है बेटा फ्यूज है आपस में पेटल फाइव फ्री होंगे सी फाइव लिखा है कोरोला के अंदर पांच पेटल है पांचों फ्री है सी फाइव ब्रेकेट अंदर लिखा है कोरोला के अंदर पांच पेटल है पांचों के पांचों फ्यूज है दस है दसो फ्री है एन ए फाइव प्लस फाइव मतलब जो एंड्रोशियम है उसमें जो स्टेमेन है वो दो रिंग में एक रिंग में पांच है दूसरे रिंग में पांच है पांचों के पांचों फ्री है इंफिनिटी का चेन लगा हुआ है

पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम का ठीक है कार्पल है दो है फ्री है जी टू लिखा हमने बाइक ब्रैकेट में लिखा हमने सी और ए के ऊपर हमने जो है मैंने कहा आपसे कि ये है क्या एंड्रोसियम और ऐसा लगाया मैंने मतलब इपी पेटलस कंडीशन है मतलब एंड्रोशियम जो है वो पेटल के ऊपर प्रेजेंट है इपिपेटनस कंडीशन को ये शो करता है ये सब नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है ठीक है जब फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पे काम आएगा बेटा टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन में काम आएगा आपको बताना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन समझ गए ना ठीक है क्लियर फिर फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट जैसे सी फ्री हो गया सी ब्रैकेट में फ्यूज हो गया एडिशन सिंबल ऑफ द फ्लॉर पार्ट एडिशन ये बोल रहा है आपसे है ना? ये सब जो लिखा जो बता रहा ना एनसीआर में है बेटा पर एनसीआर को समझने के लिए हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है समझ गए है ना फिर एक फ्लोरल डायग्राम जो होता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द्वार के पार्ट की संख्या क्या है उनका अरेंजमेंट क्या है उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है यह बताता है फ्लोरल डाइग्राम ठीक है the position of mother axis with respect to the flower is represented by a dot at the top of the floral. Floral diagram mein top par ek dot laga hota hai jo mother axis ki kahan par flower juda hai to peduncle hai pedicel hai mother axis ke bare mein ye batlata hai jaise dekhiye ye jo de dot hai this is the this represent the mother axis या peduncle को ये represent करता है ठीक है ना इसके बारे में बात एनसीआर जो बोल रहा है ना आपसे पोजिशन ऑफ मदर एक्सेस की मदर एक्सेस की पोजिशन क्या है फ्लावर के रिस्पेक्ट में इसको हम फ्लॉवर फॉलो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, करते हैं से कैलिक्स ये दिखाई पड़ रहा है आपको कोरोला ठीक है ये दिखाई पड़ रहा है आपको एंड्रोशियम ये दिखाई पड़ रहा है आपको गाइनोशियम अब बताओ क्या देख रहे हो कैलिक्स एक दो तीन चार पांच पांच

के इसी का देखो चूंकि मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं से दोनों प्रेजेंट है तो देखो हमने बाईस का चिन्ह लगा दिया हमने फ्लावर की मॉर्फोलॉजी जो है फ्लावर क्या है वो एक्टिनोमार्फिक है रेडियल सिमेट्री वाला है तो हमने रेडियल सिमेट्री का चिन्ह लगा दिया के अंदर पांच स्टेपर है तो के फाइव दिख दिया कोरोला में पांच पेटल है तो पी हमने सी फाइव दिख दिया एंड्रोशियम में पांच स्टेप ए फाइव लिख दिया गाइनोशियम जो है वो ओवरी जो है वो सुपीरियर जो है ओवरी है ओवरी तो जी 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 हमने बेस्ट के ऊपर को लिखा हमने वन एक सिंगल ओवरी इसलिए हमने जीवन कर दिया हमने एक करपल है क्लियर तो मदर एक्सिस का चिन्ह फ्लोरल डायग्राम के फ्लोरल डायग्राम के तो सिंबल हैं वो आपके एनसीईआरटी थी में ठीक से दे नहीं रखे हैं उसने तो आपको थोड़ा सा सिंबल कुछ पता होना चाहिए बेटा आपको सिंबल के तो डॉट लगाए वो मदर एक्सेस है के, ब्रेक्ट के लिए हम इस जो चिन्ह है ना इन उल्टा पिरामिड के समान या उल्टा हम ट्राइंगल बना हैं वो ब्रेक्ट के लिए होता है ईपी कैलिक्स के लिए हम सीधा ट्राइंगल बनाते हैं हम के फिर कैलिक्स के लिए अब देखो जो बच्चे बोर्ड में जो बच्चे जो अपना इलेवंथ का एग्जाम दे रहे हैं जो स्कूल एग्जाम दे रहे हैं ना उनको ये सब पता होना चाहिए बेटा क्योंकि देखो नीट में ऐसा आएगा इसकी संभावना थोड़ी कम होती है जनरली मैं बोर्ड या एलेवन्थ ट्वेल्थ के लिए बात नहीं करता हूं पर चूंकि ये यहां पर हिस्सा आया है और ये हिस्सा जो है वो क्या होता है कि स्कूल में जब आप आप फ्लोर डाइग्राम आप बना रहे होते हैं तो वहां पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है हालांकि नीट में ये क्योंकि इससे बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं पूछने के लिए इसलिए यहां पर एग्जाम ज्यादा फोकस नहीं करता है तो एक बार बेटा देख लेना इसको ठीक है आगे बढ़ते हैं अब वेरी वेरी आईएमपी गिनती के फ्लोरल डायग्राम दे फॉर्मूला दे रखे बेटा बुक के अंदर और वो हमको पता होना चाहिए के के अंदर के। तो मस्टर्ड प्लांट फैमिली ब्रसिकसी में आप क्या मालूम चला इस इस, इस फ्लोरल फॉर्मूले से क्या मालूम चला फ्लावर जो है वो है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है बाई ठीक है फ्लावर में कैलिक्स में चार सेपल हैं दो रो में हैं टू में हैं वो ठीक है कोरोला में देखो ये पढ़ रहा हूं मैं इस फॉर्मूले को पढ़ के बता रहा हूं के, कोरोला में चार पेटल हैं फ्री हैं आपस में जुड़े नहीं एंड्रोशियम में छेमैन छे हैं। दो रो में है दो एक रो में है और चार दूसरी रो में है ठीक है ओवरी सुपीरियर ओवरी है ठीक है और जो कि सिन कार्पस ओवरी है दो कार्पल आपस में फ्यूज कर गए दो कार्पल आपस में फ्यूज कर गए तो सिन कार्पस ओवरी बनी है जी लिखा है क्लियर अब देखो मस्टर्ड प्लांट का

अब इसी के आधार पर मस्टर्ड प्लांट का हम फ्लोरल डायग्राम हैं मस्टर्ड फैमिली, कैसी हम मदर एक्सेस दिखाई पड़ रहा है ऊपर देखिए है ना देखिए फिर हम देख रहे हैं देखो आपको चार आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा आपको जो है वो चार यहां पर जो है वो सेपल दिखाई पड़ रहे हैं आपको फिर अंदर जाके देखिए इसमें आपको जो है वो और देखो चार चार हमको जो है वो सेपल दो रो में, देखो दो आउटर रो में दो अंदर की रो में देखिए आप कैसा बना था ये के टू प्लस टू देखिए फिर ये चारों सिंगल ये क्या था ना हमने क्या कहा हमने कहा कि फ्लावर जो है वो रेडियल सिमेट्री को शो कर रहा है फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है फ्लावर में जो है वो टू प्लस टू मतलब जो कैलिक्स है उसमें जो सेपल है वो दो रो में है फिर कोरोला में हमने क्या कहा हमने कहा कोरोला में जो है वो चार हमको पेटल दिखाई पड़े चारों फ्री के। फिर क्या का हमने का? जो में टू वन एंड टू दो प्लस चार ऐसे दिखाई पड़ रहे ना ठीक है फिर गायनोशियम में ओवरी क्या है सुपर ओवरी है और उसमें क्या दिखाई पड़ा आपको दो फ्यूज दिखाई पड़ रहा कर, है दो कार्पल आपको उसमें फ्यूज दिखाई पड़ रहा है ना ये हो गया आपका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला

देखो बेटा चार फ्लोरल डायग्राम ब्रासिक एसी का सोरेन एसी का आपका जो इनसेटिव रखा आपका पेपिलोनसी का और आपका किसका लीली एसी का चार फ्लोरल डायग्राम चार फ्लोरल फॉर्मूले इसके हमें याद रखने क्योंकि नाइनटी नाइन परसेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा बेटा ठीक है ना बाकी पढ़ना हो तो फिर एनजिस उनकी बहुत फैमिलीज है बहुत तरह के फ्लोरल डायग्राम याद करने पड़ते हैं तो वो अभी आपके काम का नहीं है ठीक है ना चलिए पढ़ते बे� रहिए बेटा मेहनत करते रहिए ऑल दी बेस्ट High. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.